हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित समस्तपुर कला गाँव में लेकर चलते हैं। लगभग 8000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सलमा बेगम हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 11 सीसी टाइल्स रोड, 12 खडंजा, स्कूल की बाउंड्री, जूनियर हाई स्कूल में शौचालयों का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 55 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 80 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गाँव में 60 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 46 सोलर लाइट तथा 71 विद्युत लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, सीसी टाइल्स रोड, सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है तथा ग्राम पंचायत की जमीन से दबंगों द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटाने की मांग है। मैं ग्राम पंचायत समस्तपुर कला से प्रधान प्रति, मेरी ग्राम पंचायत समस्तपुर कला है, ब्लॉक सरसावा, जिला सहारनपुर। मैंने अपने गांव में जो विकास कार्य कराए हैं उनमें 71 स्ट्रीट लाइट लगवाई है और 46 जो है सोलर लाइट और लगभग 12 सीसी और 12 ही खड़ंजे लगवाए हैं। और इसके अलावा स्कूल में काम करवाया है, बाउंड्री गेट वगैरह लगवाया है और जो जूनियर स्कूल में उसमें जो है 7 शौचालय बनवाए हैं और बाउंड्री करवाई है, स्कूल की भी नया गेट लगवाया है और जो है हेडपम्प की भी मरम्मत करवाई है 40 के लगभग। कुछ पानी की जो है व्यवस्था खराब हो गई है तो हमारी सरकार से मांग है कि जो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने चला रखी है उसका भी जो पात्र लोग हैं उनको लाभ नहीं मिला। मेरी सरकार से मांग है कि उन लोगों को लाभ दिया जाए और जो पेंशन बंद पड़ी है लोगों की, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, उन पर उनकी भी मांग है कि सरकार से कि उनको जल्द से जल्द चालू करे और गरीब लोगों तक वो मदद पहुंचे। हमारे गांव में जो पानी की व्यवस्था है, जो टंकी बनी थी वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उसको चालू करवाएँ और लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जाए।